Hello students, next one है how to represent root 5 on a number line. Root 5 को number line में कैसे करेंगे. Anyway, root 5 आपको ये भी पता होगा पाइथागोरस थियरम ए बी सी, उसमें जो सी है ये हाइपोटेनस वाली लाइन, दिस वन हमें ये ढूंढना है, ये ए बी है. कौन से दो नंबर का स्क्वायर करो तो आपको 5 मिलेगा. तो वेरी सिंपल है, 1 square प्लस 2 square होता है कि नहीं, इज इक्वल टू 6 square. एक लाइन को लेंगे 1, इसको लेंगे 2. नंबर लाइन पे आप 2 दिखा सकते हो, 1 centimeter भी ढूंढ सकते हो ना. ओके, तो सी अगर तुमको ढूंढना है तो इसका रूट निकालना पड़ेगा. 1 का square 1, 2 का square 4. ओके, तो सी इज इक्वल टू रूट 5. आपको ये मिल गया रूट 5. ओके, बट ये तो यहाँ मिला ना, हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए. डजेंट मैटर कि इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, यानी कि इस यही रेडियस के साथ सर्कल ड्रॉ करो और उसको ऐसे ड्रॉ करके जहाँ वो टच होगा नंबर लाइन पे एग्जैक्टली वो पॉइंट है हमारा रूट 5. यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा आप लिख सकते हो. ओके, तो इस तरह से हम रूट 5 दिखा सकते हैं. ओके, 1.3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच. जो एंडलेसली चलता जाए, जिसको डिवाइड करो आप और वो कभी ख़त्म ही ना हो, सम आगे ही बढ़ता जाता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी टर्म फिक्स नहीं है. ठीक है, 36/100 को आप डिवाइड करते हो 0.36 आ गया, वो चलता नहीं जाता एंडलेसली, इसलिए हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. पर अगर तुम 1 को 11 से डिवाइड करो, ठीक है, 1 divided by 11, 11 zeros are 0, पॉइंट ऊपर से उतारा 0, अगेन 0 से चलाना पड़ेगा दूसरा 0, 11 9s are 99, 1, फिर से 09090909 चलता ही जाएगा. इसीलिए 09 के ऊपर ये लाइन की है, उस लाइन का मतलब होता है वो वही दो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं. ओके, इसलिए इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स उसके फिक्स नहीं है. ओके, वो चलता जाता है. नेक्स्ट है 4 integer 1/8, इसका मतलब होता है 4.125, वो फिक्स टर्म है इसलिए इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं. 3 को 13 से करो तो 2 3 0 7 6 9, फिर से आगे चलते जाओ 2 3 0 7 6 9 आता जाएगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नेक्स्ट वाला 2/11 अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, 3 2 9/400 ये टर्मिनेटिंग है, आगे नहीं जाता है. ओके, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, चलो इतना हमको पता है. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग कैलकुलेशन, बिना डिवीजन के आपको बताना है. ठीक है, तो 2/7 का मतलब होता है 2 integer 1/7, है ना. तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सब को डबल कर देंगे. यहाँ दिख रही है जो टर्म, उसको खाली डबल कर दो. यहाँ पे 3 है तो ट्रिपल कर दो इस टर्म को, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p/q एंड p/q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0.6 बार. ये 6 टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब तो 0.66666 होता है. ओके, रिपीट कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, एक, दैट इज 6, 1 digit ना, तो एक 0 वाला नंबर, यानी आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे
x is equal to 0.6, so tan x is equal to 6.6 bar. Ye clear hai? Okay. So since x ka value hota hai 0.6, to aisa hum likh sakte hai. 6.6 is equal to 6 plus 0.6 bar. Ye hota hai. Jab iska value to x hai. Isliye humne likha tan x is equal to 6 plus x. अब x उधर चला जाएगा तो 9x is equal to 6 और x is equal to 6 upon 9 कट करो तो 2 upon 3 is the answer. आया समझ में? एक नंबर रिकरिंग हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक टर्म रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ. दो रिपीट होते हैं तो 100 से, तीन डिजिट रिपीट होते हैं तो 1000 से. चलिए आगे देखते हैं. 0.47, देखो इसमें रिपीट खाली 7 हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है. तो व्हाट टू डू, हम खाली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है. तो 10x इज इक्वल टू 4.7. अच्छा तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, देखो 4 पॉइंट सेवन बार इज इक्वल टू 4.7 बार में से तुम्हें ऐसे दो अलग नंबर करने हैं जिससे एक तरफ 0.47 आए. ठीक है, या 4.77 में से क्या निकालोगे तो वुड बी 4.3 प्लस 0.47. ये कैसे, 4.7 बार यानी 4.77. ठीक है, 4 भी निकाल लो 3 भी निकाल लो. देखो 4.77 में से जीरो पॉइंट फोर सेवन माइनस करो तो आंसर वुड बी 4.30 आएगा कि नहीं. तो 4.3 प्लस 4.7. ओके, हमें यहाँ पे x वाला ही नंबर चाहिए कंपलसरी, नहीं तो सम आगे नहीं होगा. ओके, सो रेस्ट इज सेम. इधर x इज इक्वल टू 0.001, तीन डिजिट हो रहा है ना तो 1000 से करो. इधर 1000x इज इक्वल टू 1.001. अच्छा तो 001 है, 1 को इस तरफ ले लो, 001 को इस तरफ, सेम वे, एंड इज द आंसर.